दोस्तों आईपीएल 2022 के आठवें मैच में केकेआर की टीम ने पंजाब टीम को 6 विकेट की बड़ी मार्जिन से हरा चुकी है और उसी के साथ काफी सारे गुड न्यूज केकेआर टीम और फैंस को मिल चुका है। तो दोस्तों मैच तो केकेआर टीम ने जीत चुकी है, प्लेइंग 11 काफी बैलेंस है, फिर भी 6 तारीख मुंबई टीम के खिलाफ मैच में नया प्लेइंग 11 के साथ केकेआर उतरेगी क्योंकि अब टीम में पैट कमिंस आ चुका है। तो दोस्तों मुंबई टीम के खिलाफ प्लेइंग 11 में टीम साउथी खेलेंगे या पैट कमिंस, प्लेइंग 11 में कौन से 4 विदेशी प्लेयर्स को मौका मिलेगा जानेंगे इस वीडियो में। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी तक पैट कमिंस के बिना केकेआर ने 3 मैचेस खेली है और उन 3 मैचों में से एक मैच में टीम साउथी भी नहीं थे, लेकिन टीम साउथी के आने के बाद केकेआर टीम का बोलिंग लाइनअप काफी मजबूत बन चुकी है। लेकिन दोस्तों जबकि पैट कमिंस नेक्स्ट मैच से टीम के साथ जुड़ने वाला है तो अब केकेआर मैनेजमेंट और कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए चिंता का विषय बन चुका है। तो बात करें नेक्स्ट मैच में कौन से 4 विदेशी प्लेयर्स को मौका मिलेगा, तो सबसे पहले तो रहेंगे आंद्रे रसेल। जी हां दोस्तों, रसेल जिस तरह का फॉर्म में है केकेआर को सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, रसेल के लिए हर वक्त एक सीट तो फिक्स्ड है। उसके बाद नंबर 2 पर रहेंगे सुनील नारिन। जी हां दोस्तों, सुनील नारिन हर साल केकेआर के लिए मैजिशियन बॉलर साबित होते आ रहे हैं, इस साल भी गजब का फॉर्म में है। ये भी रसेल की तरह मैच विनिंग प्लेयर है, कभी भी कोई भी मैच पलट सकते हैं। आईपीएल 2022 में अभी तक उनको ज्यादा विकेट तो नहीं मिला है, लेकिन कमाल का इकोनॉमी के साथ हर मैच में गेंदबाजी किया है। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर रहेंगे पैट कमिंस। नो डाउट पैट कमिंस मुंबई टीम के खिलाफ जरूर से खेलने वाले हैं, अपना क्वारंटीन जल्द खत्म करके केकेआर प्रैक्टिस में दिखाई देंगे। दोस्तों पैट कमिंस सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि ऑलराउंडर भी है और इसीलिए केकेआर ने दोबारा उनको मेगा ऑक्शन में खरीद चुके हैं। तो ये 3 प्लेयर फिक्स्ड है। अब बात करें चौथे प्लेयर के बारे में, तो केकेआर के पास 2 ऑप्शन है, एक तो टीम साउथी और दूसरा सैम बिलिंग। तो बहुत ही टॉप चॉइस है क्योंकि दोनों ही कमाल का फॉर्म में है। अगर केकेआर टीम साउथी को खिलाती है तो क्या आप सोच सकते हैं कैसा रहेगा जब उमेश यादव, पैट कमिंस और टीम साउथी एक साथ बैक टू बैक बॉलिंग करेंगे। लेकिन इससे एक जो समस्या होने वाला है वो है सैम बिलिंग्स के बिना केकेआर की बैटिंग लाइनअप थोड़ा कमजोर बन सकती है। अब दोस्तों सैम बिलिंग्स के जगह शेल्डन जैक्सन है, सैम बिलिंग्स के काफी बेहतर विकेट कीपिंग तो कर लेंगे, लेकिन क्या मिडिल ओवर की बल्लेबाजी संभल पाएंगे ये सोचने वाली बात तो जरूर है। लेकिन दोस्तों केकेआर के पास एक बढ़िया ऑप्शन और भी है, अगर टीम साउथी और पैट कमिंस दोनों खेलते हैं तो तब शिवम मबी की कोई भी जरूरत नहीं है, तो तब केकेआर चाहे तो जैक्सन के साथ साथ बाबा इंद्रजीत को भी खिला सकती है। जी हां दोस्तों, बाबा इंद्रजीत काफी बढ़िया फॉर्म में है, तो तब केकेआर की बैटिंग लाइनअप और भी मजबूत दिखाई देंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है नेक्स्ट मैच में कौन से 4 विदेशी प्लेयर्स को खिलाना चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।